आज है 18 मई थर्सडे, जुमेरात का दिन। और आज हम आए जैसे साइट पे। अब जैसा कि आपको पता है कि टाइल्स का काम शुरू है, तो हम वही देखने आए हैं। दे हम देखेंगे। ये काम आगे बढ़ रहा है मुसलसल, धीरे धीरे कंटिन्यू। और ये भी जो है टाइल्स लग चुकी है पहले ही। और ये बाहर की जो टाइल्स है वो लगी है, काफ़ी खूबसूरत ये लग रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ही लग गई है। अब इसके पीछे की जितनी भी चीज़ें वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली छुप जा रहे हैं। ये टाका रहेगा, टाका बोले तो इसमें ड्रेनेज का थोड़ा सा ब्रैकेट टाइप बना हुआ है, वहाँ पे पूरा ड्रेनेज होगा, बेसिंग वगैरह का भी। फिर वो बाहर नाली के ज़रिए यहाँ से वो नीचे से गया हुआ है। शुरुआती वीडियो में आपने देखा होगा सब पूरा, बहुत पहले ही वो पाइप डाल दिया गया था। और ये आप देख सकते कि पीओपी के बाद ये पहला बाथरूम भी कंप्लीट हो चुका है। ये भी आप देख सकते हैं कि फ्लश शावर वगैरह एक साथ रहेगा। और पूरा इसको जितनी भी टाइल्स लगती है उसको पानी मारा जाता है। अपोज की टाइल्स भी आप देख सकते हैं कि, और सर्विस खान इंजीनियर ऑफिस, सर्विस खान का इंजीनियर ऑफिस। और ये भी लगी थी, काफ़ी खूबसूरत ही लग रहा है। और ये साइट के जो इंजीनियर है सर्विस खान है, पार्ट डायरेक्टर जो है मोहसिन खान सर है। ये साइट जो 1500 स्क्वायर फुट की साइट है, जहाँ यहाँ सर्विस खान का इंजीनियर ऑफिस रहेगा। और इसी के नीचे जो रूम है वो डॉक्टर खान का दवाखाना रहेगा। और हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर कहाँ तक आगे बढ़ा है। और ये साइड जो है अब्दुल्ला पैलेस के सामने है। ये पैराडाइज रोड जैसे सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर है। ये रोड जो है लेफ्ट साइड की तरफ VMP पंचवटी होते हुए नागपुर हाईवे को टच होता है। राइट साइड की तरफ 250 मीटर की दूरी पर वलगा रोड को टच होता है। ये वलगा रोड लेफ्ट साइड की तरफ इतवारा बाजार राजा पेट, और लेफ्ट साइड की तरफ राइट साइड की तरफ MP रोड वलगा वगैरह आता है। गौशल इस्लाम की जो दरगाह है वहाँ से इस साइड के लिए दिखती है। इस साइड से भी गौशल इस्लाम की दरगाह भी क्लियर दिखती है। ये साइड जो अमरावती शहर में है। बने रहे फिर हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।